हेलो दोस्तों, इंडियन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो देने वाली हूँ वो है ये एडीएस रॉक स्टार आई शेडो पैलेट। ये देखिए, तो ये है एडीएस रॉक स्टार आई शेडो पैलेट। देखिए, इसकी सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग कुछ इस तरह की है, लाइट वेट है, बहुत ही हैंडी है, आप इसे कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो अराउंड 600 रुपीज़ है, बट मुझे ये सेल में मिला, मैंने अमेजोन से इसे परचेज़ किया है, इसके लिए मैंने 210 रुपीज़ पे किया है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, इसकी जो इन्ग्रीडियंट्स है वो सारी यहाँ पर दी हुई है। ये देखिए, तो इसकी जो नेट कंटेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो हर का अलग अलग नेट कंटेंट है। जो सेल्फ लाइफ है वो है 4 इयर्स तक, ये 2017 से 22 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप 4 साल तक इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसकी जो आउटर पैकेजिंग है उसमें कभी भी इसे नहीं रखिएगा, बिकॉज ये देखिए, इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत ही ढीली है। ये देखिए, तो जब अगर आपने गलती से इस तरह से पकड़ लिया तो ये नीचे स्लिप होकर गिर जाएगा। आउटर पैकेजिंग में है वही चीज़ आपको मेन प्रोडक्ट में भी मिल रहा है। ये देखिए, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा पैलेट। मैंने जो बोला कि ये कार्डबोर्ड टाइप का पैलेट है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मुझे एक खामी क्या लगी ना, मुझे लगा एक प्लास्टिक की लेयर लगी होगी, तो कुछ भी इसमें लगेगा, जैसे मान लो लिपस्टिक के दाग लग गए तो वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, थोड़े से लिपस्टिक के यहाँ पर निशान हो गए हैं, थोड़े से मेरे हाथ में लगे हुए थे, लग गए और वो निकल नहीं रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी पैकेजिंग अच्छी है, ये फोल्डेड है तो काफ़ी हैंडी है, आप कहीं पे भी इसे कैरी करके ले जा सकते हो। काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है और अभी 210 रुपये में मिल रहे हैं, तो बजट फ्रेंडली भी है, काफ़ी लाइट वेट भी है, तो आप इसे कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। उसके बाद एक ये ट्रांसपेरेंट शीट आती है, बहुत अच्छे से इसमें अटैच्ड है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि ये निकल जाएगा, वैसा कुछ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही अच्छे से है, आई शेडो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से अटैच्ड होके इन्होंने पैकेजिंग की है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहले हम मिरर की बात करेंगे। तो ये देखिए, मिरर जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हार्ट शेप में है और आप देख सकते हैं मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ये देखिए, मिरर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मुझे मिरर बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, इसमें 12 आई शेडो है, कलर बहुत ही प्यारे हैं, सारे का जो नेम है वो यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, पिगमेंटेशन मैं बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद आपको अच्छी क्वांटिटी में आपको आई शेडो मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है इसमें। जो आपको 12 आई शेडो मिल रहे हैं, कुछ आई शेडो जो है वो सिमरी है और कुछ आई शेडो जो है वो मैट है, तो आपको दोनों टाइप के यहाँ पर आई शेडो मिल रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये साइड में ये सब शिमरी है, ये और ये भी, और ये सब मैट है। ये देखिए, तो आपको आई शेडो में शिमरी और मैट दोनों मिल रहे हैं, जो कि अच्छा है हाइलाइटर और ब्लश की तो बहुत ही अच्छा है। हाइलाइटर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, ये भी हल्का सा जो है वो शिमरी है, ना शिमरी नहीं है, एकदम आपके स्किन टोन पे मैच कर जाता है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। ब्लश भी बहुत अच्छा है, लाइट पिंक कलर का है, बहुत ही खूबसूरत ब्लश है इसका। लिपस्टिक की बात करें तो ये देखिए, आपको दो लिपस्टिक यहाँ पर मिल रहा है, एक न्यूड कलर है, एक रेड कलर है। लिपस्टिक की जो कलर है ना वो काफ़ी लाइट है, अगर आप लिपस्टिक थोड़ा डार्क लगाना चाहते हो तो एक बार में तो डार्क अप्लाई नहीं होगा, आपको 2 से 3 लेयर लगाने पड़ेंगे, तब थोड़ा सा लिपस्टिक आपका डार्क दिखेगा। ये अब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आई शेडो पिगमेंटेड है। ये देखिए, बहुत ही पिगमेंटेड है आई शेडो, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, थोड़ा सा आपको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अगर हम ये हाइलाइटर की बात करें तो ये देखिए, हाइलाइटर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी जो ब्लश है वो भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, लिपस्टिक की अगर बात करें, लिपस्टिक बहुत ही लाइट कलर में है। ये देखिए, लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट है, बट कोई बात नहीं, जितना पिगमेंटेशन होना चाहिए उतना ही है। तो ये सारे का जो पिगमेंटेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है, सारा बहुत ही अच्छा काम करता है, और बाकी जो बचा कुचा है वो हम डेमो में देख लेंगे। इसकी आई शेडो की जो अच्छी बात नहीं है वो है वो पाउडरी है, तो लगाते समय थोड़ा सा फॉल आउट हो सकता है, बट अगर आप अच्छे से लगाओगे तो वो भी कम हो जाएगा।
बात करते हैं कि ये कितना देर आपके फेस में स्टे करेगा, तो मैं आपको बता दूँ आई शेडो जो है वो 2 आवर्स से ज़्यादा स्टे करेगा आपके आईज़ पे। बहुत ही अच्छा आई शेडो है, यहाँ तक कि आपने जो ये लोअर लाइन में लगाए होंगे ना आई शेडो, वो भी स्टे करेगा। जो ब्लश और हाइलाइटर है वो दोनों 2 घंटे के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कलर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन 2 घंटे तक नहीं टिकेंगे, 2 घंटे के बाद धीरे धीरे वो निकलना स्टार्ट होगा। जो ये लिपस्टिक दी हुई है वो भी ज़्यादा देर स्टे नहीं करते हैं, लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ना ही ये ब्लश और हाइलाइटर है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लगाते हो ब्लश और हाइलाइटर, तब थोड़ी देर और आपके फेस पे रह सकते हैं, बट मैं बहुत ही लाइट लगाती हूँ तो मेरे तो ये 1 से 2 घंटे में वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट आई शेडो बहुत देर तक रहता है आपके फेस पे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। 2 घंटे तो पक्का रहेगा, 2 घंटे से ऊपर ही रहेगा। चलिए एक डेमो देख लेते हैं।
हे दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तक के लिए बाय बाय।